फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ जहाँ पर आप सिर्फ आंसर्स को देकर भी अर्निंग कर सकते हैं। क्या आप भी सिर्फ आंसर्स देकर ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं? अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वाले प्लेटफॉर्म पर वर्क करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इस वाले प्लेटफॉर्म पर इजिली अपने कम्फर्ट जोन में रहते हुए इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर डेली बेसिस की यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर, अगर आपके पास एजुकेशन ज्यादा नहीं है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इवन आपको यहाँ पर डेली लाइफ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनका भी आंसर देकर यहाँ से इजीली अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक फील्ड में अगर आप एक्सपर्टीज है, या अगर आपको कोई एक फील्ड का अगर नॉलेज है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को सेलेक्ट कर भी उसके क्वेश्चंस का भी आंसर देकर आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म है। आप इसके रिव्यूज जाकर ट्रस्ट पायलट या स्कैम एडवाइजर पर भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जो रिव्यूज है कितने पॉजिटिव यहाँ से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म 100% जेन्युइन और ऑथेंटिकेट है। यहाँ पर आपको इजिली आप यहाँ से विड्रॉ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर आप $2 भी अर्न करे हैं, तो आप यहाँ पर इजिली $2 को भी यहाँ से विड्रॉ कर ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे यहाँ पर रजिस्टर करना है, कैसे आंसर्स को देकर यहाँ से अर्निंग करनी है। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, ये प्लेटफॉर्म की अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पर आंसर का यहाँ पर पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जितना ज्यादा आंसर्स देंगे, उतना ही ज्यादा आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप अमीरास मेंटर चैनल पर पहली दफा आए हैं, तो प्लीज अमीरास मेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट द एंड, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट आप आ जाइए क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर आकर आप सर्च कीजिए answeree.com। आप जैसे ही ये सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर answeree की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। आप उस वाली लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम इसी तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर सिंपली आंसर्स को देकर इस वाले प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कैसे आंसर्स को देना है, आपको यहाँ पर कैसे रजिस्टर करना है, आपको यहाँ पर कितना पे कर रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर ये डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं। हम यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट यहाँ पर आपको ये स्टेप्स बता रहे हैं कि कैसे आप यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर यहाँ से अर्निंग करें। उसके लिए फर्स्ट आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, उसके बाद जो भी यहाँ पर रेलेवेंट आंसर्स है वो देने हैं। जैसे यहाँ पर आपके आंसर्स रेलेवेंट है, लोग यहाँ पर आपके आंसर्स को अगर यहाँ पर लाइक करेंगे, तो आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर कितना अर्न करेंगे वो भी यहाँ पर मेंशन करें हैं। लाइक आपको यहाँ पर अगर आपका एक आंसर यहाँ पर राइट है, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इवन आप यहाँ पर कमेंट के भी आप कमेंट कर भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम अर्निंग है यहाँ पर। तो आज हम सिर्फ कैसे आंसर्स देकर अर्न करें वही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो 1 सेंट है वो 10 पॉइंट्स पर बनेगा। अगर आप यहाँ पर एक आंसर देंगे, तो आप यहाँ से 1 सेंट अर्न करेंगे। तो आपकी जो अर्निंग है यहाँ पर सेंट्स में होगी। आप जैसे आंसर ज़्यादा देते जाएंगे, वैसे आपके यहाँ पर डॉलर्स बनते जाएंगे। आप यहाँ पर आपको रूल्स भी मिलेंगे कि कैसे यहाँ पर आंसर्स को देना है, और आपके आंसर्स जो है यहाँ पर किस वे में यहाँ पर रहने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके आंसर्स जो है टू द पॉइंट होनी चाहिए। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर्स देने हैं, और आपके यहाँ पर जो आंसर्स हैं टू द क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन जो है उससे रेलेवेंट ही आंसर्स देने चाहिए। आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट अवॉइड करना है। लाइक जो यहाँ पर रिसेंट आंसर दी है, सेम उसको कॉपी पेस्ट कर आप यहाँ पर आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने खुद से आंसर दीजिए, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का लोग आंसर नहीं दिए, उस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर आप यहाँ पर आंसर्स दे सकते हैं। आपको यहाँ पर कितनी पेनाल्टी लगती है, अगर आप यहाँ पर इनके कोई जो भी गाइडलाइंस है उसको यहाँ अगर आप यहाँ पर फॉलो नहीं करते, तो आपको यहाँ पर कितना पेनाल्टी लगती है, सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, यहाँ पर आंसर्स किस टाइप के लोग दे रहे हैं, एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर अगर क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर रिसेंट में पोस्ट हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर क्या बेनिफिट्स है रेंट, एक कार को रेंट देने के लिए, जो कि ट्रांसपोर्टेशन की नीड के लिए यहाँ पर कोई देना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर आपको उसका आंसर आता है, या अगर आप उसका आंसर अच्छा दे सकते हैं, और अगर आपका आंसर लोगों को पसंद आता है, तो आपको वहां से पर आंसर के 1 सेंट पे किया जाएगा।
तो आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डेली बेसिस के भी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके भी आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट आंसर्स पर क्लिक करके लोग यहाँ पर किस टाइप के आंसर्स दिए हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड लेकर यहाँ पर आपको हर एक चीज़ से यहाँ पर आपको आंसर्स देने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। लाइक आप यहाँ पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड दे सकते हैं, या अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उसको भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो आगे जाकर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स पर आप आंसर्स दे सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका आंसर ये यहाँ पर कितना डिटेल और कितना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देकर यहाँ पर दिए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनको आपको यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइक वन मोर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको 24 आवर्स में कितने सेकेंड्स रहते हैं। यहाँ पर एक क्विक क्वेश्चन पूछे हैं, ये 5 डेज पहले पूछे सो है। तो आप यहाँ पर इनके आंसर्स अब से नहीं, यहाँ पर 2020 से आंसर्स इस टॉपिक पर देते आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर को कितना डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सेम इसी वे में आंसर्स को एक्सप्लेन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 आवर्स × 60 मिनट्स, उसके बाद 60 मिनट्स यहाँ पर जो आ रहा है उसका आंसर लेकर यहाँ पर 60 सेकेंड्स से इसको अगेन कैलकुलेट करे हैं। तो आपको सेम इसी वे में यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर आंसर्स देखकर भी एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरीके से आंसर्स को देना है। अगेन, ये आपको और एक क्वेश्चन है इजी सा कि सबसे टॉलेस्ट जो एनिमल है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधा डायरेक्ट जिराफे यहाँ पर आंसर नहीं लिखे हैं लोग, क्यों जिराफे ही यही टॉलेस्ट एनिमल है वो भी एक्सप्लेन किए हैं, और यहाँ पर उसकी फीट कितनी है, कितना यहाँ पर वो टॉलेस्ट है वो भी यहाँ पर मेंशन करे हैं। तो आप भी यहाँ पर जब आंसर देते हैं तो आंसर को डिटेल में दीजिए। तो चलिए, अब हम कैसे आंसर देना है उसके लिए फर्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में आना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, आप कौन सी कंट्री से है वो कंट्री यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपकी आंसर ही जो लोगो है उसमें कितने कलर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर जो लोगो है उसके यहाँ पर कितने कलर दिख रहे हैं वही बोलना है। तो आप यहाँ पर सिंपल से लिख दीजिए 2 कलर्स है। उसके बाद यहाँ पर आप इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार पढ़ लेकर यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर रजिस्टर कर लीजिए। आप जैसे यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपको आपके जीमेल पर एक मेल आएगा, वहाँ से मेल को वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई कर लेने के बाद आपका यहाँ पर जो अकाउंट है वो बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर यूज़र नेम से बन गया है Alia55 पर। तो आप यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है तो आप वहाँ पर उनके भी यहाँ पर वेबसाइट का जो लिंक है वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर फेसबुक पर प्रोफाइल है या फेसबुक का पेज है या आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पर आपको अपने अकाउंट पर आकर जो भी यहाँ पर चेंजेस करना है वो सारा कुछ आप माय अकाउंट पर आकर कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आएंगे 3 लाइंस पर और यहाँ जो भी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए वो क्वेश्चंस को यहाँ पर फर्स्ट देख लेंगे। तो ये 7 क्वेश्चंस है, जैसा कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर यूनिक सर्विसेज जो कि ट्रैवलर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करे वो है यहाँ पर एक क्वेश्चन देने का। सेकेंड यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर ऐसे 7 to 8 questions मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर आंसर्स लोग नहीं दिए हैं। तो आप फर्स्ट यहाँ पर इन क्वेश्चंस का आंसर्स दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल जो भी इंडिविजुअल टॉपिक है उसके भी मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 लाइंस पर क्लिक कर टॉपिक अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक का सेपरेट सेपरेट यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइक एड्स और एफिलिएट से रिलेटेड 211 questions है, ब्यूटी फैशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको अलग से क्वेश्चंस मिलेंगे कि कितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की बेनिफिट क्या है। यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स का आंसर्स इजीली दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिस पर आप अपना आंसर देकर यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो अब आंसर कैसे देना है मैं यहाँ से सिंपल सा एक टॉपिक को सेलेक्ट कर बता देती हूँ। तो हम यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आ जाएंगे जहाँ पर 1000+ questions है। तो सिंपली हम यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट कर आंसर पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही आंसर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर चूज अ फाइल दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ब्लैंक नोटपैड खुल जाएगा।
तो आप यहाँ पर ये नोटबुक पर जो भी आप आंसर देना चाहते हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, क्लियरली यहाँ पर आप राइट डाउन कर सकते हैं। आपको सेपरेट से जाकर अलग से एमएस वर्ड पर लिखकर या नोटपैड पर लिखकर लाकर अटैच नहीं भी करें, आप सिंपली इनका ही ब्राउजर यूज करते हुए यहाँ पर डिटेल में आंसर को एक्सप्लेन कर यही डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर कंप्लीट अपना एक्सप्लेनेशन दें आंसर का। आंसर का कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन देने के बाद अगेन आपसे ये एक वेरिफिकेशन का क्वेश्चन पूछेंगे कि इनके लोगो पर कितने यहाँ पर कलर्स है, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, लिख देकर आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। अब आप सबमिट करने के बाद आपका जो आंसर है वो रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर पे करेंगे। अब कैसे पे करें वो यहाँ पर आप देख लीजिए, और आपको यहाँ पर मिनिमम पे आउट कितना है, आप कितने पर यहाँ पर विड्रॉ ले सकते हैं। तो आपका जो मिनिमम पे आउट है वो यहाँ से $2 है। जैसे आप यहाँ पर $2 कंप्लीट होते हैं आप यहाँ से विड्रॉ इजीली ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगेन मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि आपको एक आंसर के 1 सेंट मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर $2 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे आंसर्स देना होगा, तभी जाकर आप यहाँ से $2 का विड्रॉ को ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर विड्रॉ लेने के लिए 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आप यहाँ पर अपने पेपाल के थ्रू या नहीं तो आप बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी से भी आप यहाँ पर विड्रॉ को ले सकते हैं। अब ये यहाँ पर विड्रॉ कब आएगी कि विड्रॉ जो है यहाँ पर ये क्लियरली डेट भी मेंशन करें हैं कि 25th ऑफ मंथ की आपको यहाँ पर ये विड्रॉ आपके अकाउंट में जैसे ही यहाँ पर $2 कंप्लीट होते हैं आपको वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स यही था आज का मेथड जिस पर आप सिंपल से आंसर्स देकर भी ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ दूसरों से शेयर करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।